मैं इधर का मैनेजर हूँ, नेटवर्क झुनझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला, मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। अपनी तुम कहाँ जा रहे? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक एक नहीं तो क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके लिए। इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं है। पुराने कपड़े हैं उनमें से कोई दे दो, लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, हा? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे राजपाठा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला? जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाल, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? गुरुदेव एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो उनके कपड़े, उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट नो खाड़ो पुरवा। हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, न थी गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो धो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई बंगला मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या चाचा भी काम कर? क्या खाना? हाँ चौली की सब्जी है, चपाती है, और मिठाई में घूघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घुंगरा, घाघरा, घुंगरा घुंगरा घुंगरा।
मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना, उठ जाके कपड़े दो। पैंट के लिए कर रहा मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे कौनचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे पार डालेंगे। हाँ ए! शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू? शू? हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू? घाघरो ने चोली? हाँ हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना, आप दो। लाज वगर ना, तो ने आ घाघरो चोली जोइए छे, जोइए छे, जोइए छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप मांगू छू, मांगू छू, मांगू छू, आप तो, आप तो।